तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज किस नई वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके BSNL का इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे BSNL के नेटवर्क यहाँ पर एज नेटवर्क यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर मेरा नेटवर्क ईशो हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज किस नई वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसे 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप कैसे यहाँ पर अपने BSNL के इंटरनेट को यहाँ पर 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज किस नई वीडियो में ये बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने BSNL के इंटरनेट को एज नेटवर्क से 4G में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग करने के लिए सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाने, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में चला गया हूँ। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वो देन यहाँ पर आपको अपने BSNL के यहाँ पर सिम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देन नीचे यहाँ पर आपको न्यू APN आपको क्रिएट कर लेनी है। न्यू APN क्रिएट करने के लिए सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको नेम पर क्लिक करना है, जैसे गाइस यहाँ पर मैंने नेम पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है BSNL इंटरनेट। यहाँ पर आपको BSNL का B और इंटरनेट का I यहाँ पर आपको कैपिटल में रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट APN पर आपको क्लिक कर देना है। APN पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है BSNL बीटा 5G टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको BSNL बीटा 5G टेस्टिंग यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको BSNL का B, बीटा का B और टेस्टिंग का T यहाँ पर आपको कैपिटल में रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये APN में आपको इंटर कर देना है। उसके बाद गाइस, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। और देन प्रोक्सी पोर्ट आपको नो सेट रखना है। यूजर नेम पर आपको क्लिक कर देना है। और देन यहाँ पर आपको BSNL 5G इंटर कर देना है। BSNL 5G आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे इंटर किया हुआ है, सेम बिल्कुल आपको भी यहाँ पर यूज़र नेम में आपको इंटर कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपको नो सेट रखना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको सर्वर पर क्लिक कर देना है। सर्वर पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है www.google.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। और देन आपको नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको ऑथेंशन टाइप पर आपको क्लिक करना है। ऑथेंशन टाइप पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको PAP और CHAP यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। और देन नीचे यहाँ पर APN टाइप पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट SUPL आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, वो भी बिना स्पेस के दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट SUPL मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और देन उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको APN प्रोटोकॉल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको IP4 और IPv6 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना है फ्रेंड्स। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको यही सिलेक्ट करके रखना है फ्रेंड्स। लास्ट में आपको यहाँ पर बेरियर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अनस्पेसिफाइड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और देन नीचे मोर पर क्लिक करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर BSNL इंटरनेट की यहाँ पर APN सेटिंग क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने BSNL इंटरनेट पर क्लिक कर दिया है। और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 4G नेटवर्क यहाँ पर शो हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा 4G नेटवर्क शो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस APN सेटिंग को अपने मोबाइल में क्रिएट करके आप ऐसे यहाँ पर अपने एज नेटवर्क को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।